देखो आपका ना शायद अभी तक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कि की कौन सी है, लोकेशन कौन सी है। ठीक है, कीज हमारे पास वो होती हैं जो यहाँ पे गिवन होती हैं, हमें इन कीज की लोकेशन निकालनी होती है। ठीक है, लोकेशन हम निकालते हैं सबसे पहले हैश फंक्शन में के की वैल्यू ऐड करके, के की वैल्यू निकाली, फिर उस के की वैल्यू को जो हमारी हैश फंक्शन से निकली उसको डिवीजन मेथड में रखा, उससे हमारा जो आंसर आता है ना वो हमारी एड्रेस लोकेशन होती है। एड्रेस लोकेशन यानी एरे में कौन सा इंडेक्स है, उस कौन से इंडेक्स में स्टोर करवाना है। तो ये जो 9 हमारे पास आया है ये एड्रेस लोकेशन है, और हमारे पास की क्या थी, 3। तो 9 पे हमने 3 को स्टोर करवा दिया। और इसकी प्रोबिंग 1 कैसे हुई कि जब हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमारे पास एरे जो है वो बिल्कुल ब्लैंक था, तो जब हमने 9 की लोकेशन को ढूंढा तो वो बिल्कुल ब्लैंक था, तो ब्लैंक था हमने वहीं पे 3 को लिख दिया, यानी कि हमारी क्या हुई, 1 दफा प्रोबिंग हुई, यानी कि हमने एक दफा उस एड्रेस लोकेशन को देखा, वो खाली थी, हमने की को स्टोर करवा दिया। ठीक है, इसी तरह से 2 की जो है वो हमारे पास 7 आई थी एड्रेस लोकेशन, तो एड्रेस एरे में जो है वो हमारा क्या था, 7 था वो के खाली था, तो उस पर हमने 2 सेव करवा दिया। इसी तरह से हमने 1 पे जो है वो 9 सेव करवाया है, 9 करवाया है ना, हाँ 1 पे 9 था, सही है, मैंने कहीं पे मिस्टेक करी है। 1 पे जो है वो 9 को सेव करवाया है, 5 पे जो है वो 6 को सेव करवाया है, 11 जब हमारे पास आया तो सेम हमारी जो है वो 5 की आई, जो के जब हम 11 आया, 11 को हमारे पास एड्रेस जो है वो 5 आया, जब हम 5 पे गए तो वहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर, एक की सेफ था, तो उसने क्या किया, उसने उसके नेक्स्ट स्पेस पे देखा, नेक्स्ट स्पेस पे देखा तो जगह थी वो वहीं पे स्टोर हो गया, तो इसकी प्रोबिंग जो है वो 2 हो गई। अब जो है वो 13 पे आए, तो 13 का हमारे पास एड्रेस आया 9। ठीक है, तो 9 पे ऑलरेडी 3 था, तो हम एक जो है वो आगे मूव किया, आगे जब हमने मूव किया तो हमने देखा कि स्पेस खाली था 0 पे। ठीक है, इसका एड्रेस लोकेशन था 9, लेकिन 9 ऑलरेडी फिल्ड अप था, तो इसलिए हमने एक जंप मार ली। जंप कैसे मारेंगे, क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स था तो हम सबसे स्टार्ट में चले गए, स्टार्ट जो उसका 0 था वो खाली था, वहां पे जगह मिल गई, वहां पे हमने 13 को स्टोर करवा दिया। जब स्टोर करवा दिया तो उसकी प्रोबिंग हो गई 2। इसी तरह से 7 की जो लोकेशन आई वो 7 आई, 7 पे ऑलरेडी 2 सेफ था, हमने एक जंप करी तो हमारा जो है दूसरा जो 8 था उस पे खाली था स्पेस, सही है, खाली था, तो 7 को वहीं पे सेव करवा दिया, प्रोबिंग 2 हो गई। अब जब हम 12 पे आए तो 12 की लोकेशन थी 7, जो कि ये है 2, वहां पे ऑलरेडी फिल्ड था, तो हम एक नेक्स्ट चले गए, नेक्स्ट चले गए तो वहां पे 7 ऑलरेडी फिल्ड था, फिर नेक्स्ट चले गए तो 3 फिल्ड था, फिर नेक्स्ट गए 13 फिल्ड था, फिर नेक्स्ट गए 9 फिल्ड था, जब हम लास्ट में इस पे एरे के 2 पर आए तो यहाँ पे थी एक स्पेस, वहीं पे हमने 12 को स्टोर करवाया था, तो इसकी प्रोबिंग 6 हो गई। ठीक है, और जब हम इसका ऑर्डर को प्रिंट करवाएंगे तो ऑर्डर कुछ इस तरह से प्रिंट होगा कि जो ब्लैंक स्पेस होगा उसको आप स्किप नहीं करोगे, बल्कि उसको एज आ आप ब्लैंक शो करवा दोगे, 0 से लेके 9 तक प्रिंट होगा, और जो ब्लैंक होगा उसको शो करवा दोगे। क्लियर? ठीक ओके है, ओके क्वाड्रेटिक नहीं करते हैं, आप लोग इसी की प्रैक्टिस करो तो बेहतर है। क्वाड्रेटिक में ना फिर एक और फॉर्मूला आ जाता है, वो फॉर्मूला होता है कि जब हमारी कोलिजन आए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 1 टाइम जंप करते हैं। ठीक है, 1 टाइम जंप करते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन वो फॉर्मूला इसलिए काम का नहीं आता है, इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है यू प्लस आई, ठीक है, मॉड 10। इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कब करते हैं, इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारी कोलिजन आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी 12 पे कोलिजन आई, इसका था एड्रेस 7, 7 पे हम जब गए तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लोकेशन फाइंड कर लेंगे, जो यू है ना, यू हमारा होता है लोकेशन। ठीक है, और के जो है वो हमारी की है। अच्छा, तो यू प्लस आई, आई क्या है, आई जो हमारी इटरेशन चलती हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि अगर 0 इटरेशन पे हमें कुछ ना मिले तो बेसिकली आई सिर्फ हमें इटरेशन चलाने के लिए होता है। ठीक है, और मॉड 10,
तो जब ये इटरेशन चलेंगी ना, तो इस पे लीनियर पे जब इटरेशन चलेंगी तो ये सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस देगा, ठीक है, सिर्फ वन नंबर का डिफरेंस देगा। जैसे अगर हमने इसकी चलाई तो फर्स्ट पे 7 देगा, फिर 8 देगा, फिर 9 देगा, फिर 0 देगा, 1 देगा, इस तरह से वो देता रहेगा। तो इसलिए हम लीनियर पे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये एक ही दफा बढ़ता है। अब हम क्या बार बार फॉर्मूले में पुटिंग करें। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है कि आई जो है आई की पावर 2 हो जाती है, ठीक है। तो आई की में जब 0 लगाएंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, फिर 1 लगाएंगे तो वो 1 ही रहेगा, जब 2 लगाएंगे तो वो 2 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 लगाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ना, फिर एरे में ना वो फिर एक एक डिस्टेंस के हिसाब से प्रिंट नहीं करता है, एक एक डिस्टेंस के हिसाब से वो मूव नहीं करता है, बल्कि वो 3 4 के हिसाब से जंप करता है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक में फॉर्मूले का आ जाता है, अगर आप करना चाहें, सेम टू सेम मेथड है एज लीनियर, सिर्फ उसके फॉर्मूले में जो है आई की पावर 2 आ जाती है। तो आप करके देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन टीचर ने वॉइस मैसेज पे कहा था कि क्वाड्रेटिक होता है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है। मैंने पूरी 87 स्लाइड्स देखी हैं, उसमें कहीं पे भी क्वाड्रेटिक का जिक्र नहीं था, सिर्फ चेनिंग और लीनियर का जिक्र था। सही है, अगर आप क्वाड्रेटिक करना चाहें तो सिर्फ आई की पावर को 2 पे रख के जहाँ पे कोलिजन आए वहाँ पे, जो हमारे पास एड्रेस लोकेशन आया है यू, उसकी वैल्यू रखें, प्लस आइट्रेशन हमारी हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं, उसकी पावर 2 रख के मॉड 10 करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है। फिर हमारे पास एक डबल हैशिंग आती है। डबल हैशिंग का जो फॉर्मूला होता है, जैसे नाम होता है डबल हैशिंग, तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम उसको एक नहीं दो दफ़ा उसमें हैशिंग अप्लाई करते हैं। उसमें फिर फॉर्मूला चेंज होता रहता है, फॉर्मूले के अलावा एक और वैल्यू आ जाती है जो कि वी की होती है, फिर हम उसमें वी निकालते हैं, वी को फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूले को पुट करके फिर हम आइट्रेशन चलाते हैं, तो वो डबल हो जाती है हैशिंग। वो तो बिल्कुल भी कोर्स में नहीं है, ना ही टीचर ने उसका कहीं जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो मैं बस बता रही थी कि ये हमारी सारी टाइप्स होती हैं, और ये होती है, और ये आपका हैश टेबल्स का चैप्टर हो गया क्लोज। कोई मसला है तो बता दे, नहीं तो फिर हम ग्राफ स्टार्ट कर देंगे। आई जो है वो हमारी इटरेशंस हैं, सही है। इटरेशंस बेसिकली क्या होता है, जब हम फॉर एग्जांपल एक हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जो क्या कर रहा है, एक एरे को प्रिंट करवा रहा है, तो उस एरे को प्रिंट करवाने के जो हम इटरेशन चलाते हैं ना, तो हम उसको आई का नाम दे देते हैं। सही है, आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है, कि इतनी लेंथ से इतनी तक चले। अब हमारी जो ये वाला टेबल है, इसमें हमारे एरे की लेंथ क्या है, 10 है, ठीक है। तो अगर हमें आइट्रेशन चलानी है, वो आइट्रेशन अगर हमारी चलें तो वो कितने टाइम तक चलेंगी, 0 से लेके 9 तक हमारी आइट्रेशन चलेगी। अगर 9 पे भी आपको कोई नंबर फाइंड नहीं होता तो फिर आप उस नंबर को ही ड्रॉप कर देते हो, आप उस की को लिखते ही नहीं हो, ठीक है। ये डबल हैशिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें होता है कि आइट्रेशन 9 आइट्रेशन हो जाती हैं, हमें सही लोकेशन मिल ही नहीं पाती है, तो फिर क्या करते हैं, उस नंबर को हम ऐड करते ही नहीं हैं, और जब हम प्रिंट करवाते हैं अपना एरे तब भी उस नंबर को ऐड नहीं करते हैं। तो आई जो है इसलिए यूज होता है इटरेशन चलाने के लिए। अच्छा, इसकी स्लाइड मैंने बस इसलिए खोली है क्योंकि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है, मैं उनको भूल ना जाऊं, तो इसलिए। अच्छा, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ फॉर्मलाइज्म फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप्स अमॉन्ग आइटम्स, वेरी जनरल डेफिनेशन, वेरी कॉमन। अच्छा देखो, ग्राफ की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ, एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, और एक होता है वेटेड ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में दो चीजें होती हैं, ठीक है, वो दो चीजें क्या होती हैं, एक चीज होती है नोड्स
उन नोट्स को जो है, नोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी तक हम जितना भी पढ़ते हुए आए हैं ना, हम हमेशा नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, नोट्स नाम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम ट्री पढ़ रहे थे, ट्री में जो है हम नोट का, नोट की टर्म का इस्तेमाल करते हैं। हम जो भी करते हैं, हम लिंगलेस पढ़ते हैं उसमें भी हम नोट की टर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब जो ग्राफ है, ग्राफ में जो है वो नोट्स को वर्टिसेस का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये कोई एक नई चीज नहीं है, ये नोट्स वही नोट्स हैं जिसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बस ग्राफ में इसको वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। एक नोट को वर्टेक्स कहते हैं, मल्टीपल नोट नोट्स को वर्टिसेस कहते हैं। अच्छा, अब दो नोट्स यानी दो वर्टिसेस के बीच में जो एक कनेक्शन बन रहा होता है, जो एक पाथ आ रहा होता है कि नोट ए से नोट बी पे जाना है, उस पाथ को हम कहते हैं एच, ठीक है। एच क्या करता है, वो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करता है। अब इसको हम डिनोट करते हैं ग्राफ से, जी यानी कि ग्राफ इज इक्वल्स टू वी कॉमा ई, वी कॉमा ई यानी वर्टिसेस कॉमा ई, सही है। तो ये हमारा होता है ग्राफ की सिंपल एंड आसान सी डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा ग्राफ। अब इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं, सही है। अच्छा, अब देखें यहीं पे दो टाइप्स बनी हुई हैं। जहां पे आपको एजेस में एरोस नजर आ जाए, एरोस यानी कि वो डायरेक्शन दे रहा है कि ये वाला नोड इससे निकल के इस पे जा रहा है, वो आपके कहलाता है डायरेक्टेड नोड, ठीक है। यानी कि इसकी बहुत आसान तरीके से आप यूं समझ सकते हो कि वो डायरेक्शन दे रहा है कि ये वाला नोड जो है, इस वाले नोड का पाथ इससे निकल के इस पे जा रहा है, एरो बना हुआ है। देखिए जैसे ये वाला एरो बना हुआ है कि ये वाले नोड से पाथ इस वाले नोड पे जा रहा है, ये एरो बना हुआ है। क्या कर रहा है ये डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट कर रहा है कि इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे एक एज जा रही है। तो ये जो डायरेक्शन है ये आपका हो जाता है डायरेक्टेड ग्राफ। अब इस वाले ग्राफ को देख लें, देख के डरिएगा नहीं कि इतना अजीब सा है, बस इसको सिंपल रखें कि इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं आ रही है, ठीक है। नीचे अब ये वाला देख लें ग्राफ, ए बी सी डी ई, ठीक है। ए बी से कनेक्टेड है, ए डी से कनेक्टेड है, ए सी से कनेक्टेड है, सी डी से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शंस नहीं है, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये आपका होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें कोई डायरेक्शंस नहीं होती, डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें डायरेक्शंस होती हैं। अब जो थर्ड टाइप आती है, थर्ड टाइप आती है कि आपकी एजेस पे ना कुछ वैल्यूज लिखी हुई होती हैं, ठीक है। इस टाइप को बहुत जहन में बहुत अच्छे से पढ़ें कि वेटेड ग्राफ भी एक होता है जिसकी एजेस पे कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं, क्योंकि जो स्पेनिंग ट्रीज है ना, वो पूरा स्पेनिंग ट्री एक वेटेड ग्राफ है, ठीक है। इसकी 13 हो गई, इसकी 5 हो गई, ठीक है, इसकी 0 हो गई, इसकी 1 हो गई। जब एजेस पे कॉस्ट आ जाती है, अच्छा जो कॉस्ट आती है वो हमेशा नंबर्स में आती है, इंटीजर्स में, ठीक है। अब न्यूमेरिक की भी टाइप्स हो सकती है, इंटीजर हो गया, डेसिमल हो गया, फ्लोट हो गया, लॉन्ग डबल जो भी हो गया, बहरहाल आती ही न्यूमेरिक में है, क्योंकि कॉस्ट है, कॉस्ट हमेशा न्यूमेरिक होती है, सही है। तो ये हमारी होती हैं तीन टाइप्स की ग्राफ, ठीक है। जो ये नोड्स होते हैं इसको हम वर्टिसेस कहते हैं, और जो नोड्स के बीच में कनेक्शन आ रहा है इसको हम एजेस कहते हैं, ठीक है। वी अगर हम इसको देखें, वी हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई, और अगर हम एजेस देखें तो एजेस हमारे पास क्या है, एक लाइन जो है वो ए से बी पे जा रही है तो ए कॉमा बी हो गया, ए से सी पे जा रही है ए कॉमा सी हो गया, ए से डी पे जा रही है ए कॉमा डी हो गया, बी से डी पे जा रही है बी कॉमा डी हो गया। अच्छा, इसको नोट करें कि ए से बी पे जा रही है तो ये हम एक दफा लिख दिया, हम इसको दोबारा ऐसे नहीं लिखेंगे कि बी से ए पे जा रहा है, ठीक है। वो हम तब लिखते हैं जब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। आपको याद होगा उससे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक लिस्ट होती है, एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। उसको भी हम अभी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आ गई आपकी टर्मिनोलॉजी, नोड और वर्टेक्स हमने पढ़ लिया, एच लूप। अच्छा, लूप क्या होता है कि जब हमारा एक नोड से एच निकले, एक वर्टेक्स से एच निकले, और वो एच सीधा उसी की तरफ चली जाए, तो ये हमारा लूप हो जाता है, ठीक है। ये हमारा लूप हो गया, सही है।
यानी कि एक एज निकले एक वर्टेक्स से, और वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही वर्टेक्स है और एंडिंग पॉइंट भी वही वर्टेक्स है, तो ये आपका हो जाता है लूप। डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स से ये हम पढ़ेंगे पाथ, पाथ वही जो एज होती है। एडजेंसी, एडजेंसी बेसिकली क्या होता है, जो उसके नेबर होते हैं, जैसे ए है तो ए के एडजेंसी वर्टिसेस क्या होंगे, ए के जो है वो बी डी सी होंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके नेबर्स हैं। ठीक है, ई थोड़ा दूर है तो ई को नहीं कहेंगे, बी डी सी को कहेंगे। सही है, ये इसकी तीन टाइप्स आ गई, अनडायरेक्टेड, डायरेक्टेड, वेटेड। हमने पढ़ लिया अनडायरेक्टेड क्या होता है, डायरेक्टेड। अच्छा, ये जो इन डिग्री और आउट डिग्री आता है, मतलब कि डिग्रीज बेसिकली क्या होती हैं, डिग्रीज हमारे हमेशा डायरेक्टेड ग्राफ में होती हैं, इनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारी डिग्रीज नहीं होती हैं। डिग्रीज क्या होता है, सबसे पहले तो डायरेक्टेड ग्राफ को देख के हम ये समझ लें कि जो डायरेक्शंस आती हैं इसका देखना लाजमी है कि कहाँ से निकल के कहाँ पे जा रही हैं और कहाँ से आ रही हैं। जैसे ए पे अगर हम गौर करें, ए से एक जा रही है, एक आ रही है, ठीक है, एक एच जा रही है, एक एच आ रही है, तो जो जा रही है एच उसको हम कहते हैं आउटगोइंग एच, और जो एज हमारी आ रही है उसको हम कहते हैं इनकमिंग एज। सही है। तो अब जब सिर्फ इस वाली एज को आप इग्नोर करें, अगर इस वाली एज को अगर आप इग्नोर करें और सिर्फ इस वाली एज को देखें, ठीक है, तो ये जा रही है, आउट गोइंग हो रही है, तो इस एज के लिए सोर्स वर्टेक्स क्या है, ए, और डेस्टिनेशन वर्टेक्स क्या है, बी। यानी कि सोर्स, सोर्स का मतलब है कि यहाँ से एच निकली है, डेस्टिनेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे इसको पहुंचना है। ठीक है, तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन इस तरह से टर्म यूज होती है। ठीक है, अब इन डिग्री क्या होता है, आउट डिग्री क्या होता है। आउट डिग्री यानी कि क्या मैंने बोला था कि जहां से इसकी निकल के नोड्स एजेस जा रही होती हैं, यानी कि वो खुद सोर्स है और डेस्टिनेशन पे जा रही हैं, तो ये क्या हो गई, ये आउट गोइंग एजेस होती हैं। इन आउट गोइंग एजेस को हम कहते हैं आउट डिग्री। ठीक है, आउट गोइंग, आउट डिग्री। और जो एजेस आ रही हैं, यानी कि वो नोड खुद एक वो है, वो नोड खुद एक डेस्टिनेशन है और किसी सोर्स से वो आ रही है, ये होती हैं इनकमिंग एजेस। इनकमिंग एजेस इन डिग्री। अब ये डिग्रीज को हम काउंट कैसे करते हैं, सही है, ए की जो है वो एक आउट डिग्री है और एक इन डिग्री है, ओनली वन, ओनली वन आउट डिग्री, वन इन डिग्री। बी की जो है वो वन आउट डिग्री है और टू इन डिग्री है। टू इन डिग्री कैसे, ए से एक इस पे एज जा रही है और सी से एक एज इस पे आ रही है, और सी की जो है वो दो आउट डिग्री है, ठीक है, इन डिग्री नहीं है, आउट डिग्री है। डी की कोई आउट डिग्री नहीं है, सिर्फ एक इन डिग्री है, तो ये आउट डिग्री और इन डिग्री होता है, और इन दोनों को मिलाएं तो वो नॉर्मल एक आपकी डिग्रीज बन जाती हैं। ये देखें, ये एक एग्जांपल आ गई वेटेड ग्राफ की, कि वेटेड ग्राफ में हमेशा एच पे कुछ लिखा हुआ होता है। अच्छा, साइक्लिक ग्राफ, साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, जहां पे वर्टिसेस इस तरह से मिलते हैं कि एक साइकिल बन जाता है, यानी एक वर्टेक्स से सिर्फ एक एज निकलता है जो दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होता है, कोई भी वर्टेक्स यानी कि कोई भी एक डिसकनेक्टिविटी नहीं आ रही होती नोड्स के बीच में, ये आपका कहलाता है साइक्लिक। अब देखो, वी वन से एक एज निकली, वी टू से एक एज निकली, वी थ्री से एक एज निकली, वी फोर से एक एज निकली, वी फाइव से एक एज निकली, क्या बन गया, साइक्लिक बन गया। अच्छा, अनडायरेक्टेड ग्राफ की जो है वो कुछ टाइप्स होती हैं। एक होता है, एक ग्राफ जो है उसको हम कह सकते हैं फुली कनेक्टेड या कनेक्टेड, जहाँ पे जो है हर नोड से कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाली जो एग्जाम्पल है ये है आपकी फुली कनेक्टेड, ठीक है, कंप्लीट या फिर फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड कहेंगे या फिर कंप्लीट कहेंगे, जहाँ हर वर्टेक्स से कनेक्टेड होता है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ये ए है,
ठीक है, तो ये बी है, सी डी ई, ठीक है। तो ए जो है वो सी से भी कनेक्टेड है, बी से भी कनेक्टेड है, डी से भी कनेक्टेड है, ई से भी कनेक्टेड है। सेम एज बी जो है वो ए से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है। अच्छा, ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, इसमें हम ये नहीं बता सकते कि ए बी से कनेक्टेड है या बी ए से कनेक्टेड है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो बी भी ए से कनेक्टेड है, फिर ये डी से भी कनेक्टेड है, और ये ई से भी कनेक्टेड है। तो इसको कहते हैं कंप्लीट या फिर फुली कनेक्टेड, जहां सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सही है, इसको याद जहन में रखिएगा, जहां पे सारे वर्टेक्स से कनेक्टेड हों वो आपका कहलाता है फुली कनेक्टेड या फिर कंप्लीट। कनेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जहां पे कोई डिसकनेक्टिविटी नहीं आ रही होती, ठीक है। यानी कि अगर ये दो वर्टेक्स इस वाले नोड से कनेक्टेड हैं लेकिन इनसे कनेक्टेड नहीं है, इट्स ओके। लेकिन ये वाला नोड जो है वो इसको कनेक्टिविटी दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, तो क्या बन रहा है कि सारे जो है वो एक सीरीज में कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टेड होता है। डिसकनेक्टेड ग्राफ, अब देखो ये दोनों तो आपस में कनेक्टेड हैं लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्ट हो जाए, ये भी कनेक्ट हो जाए, तो ये जो है एक ग्राफ बन गया। फिर इसको भी कनेक्ट कर लो, इसको भी कनेक्ट कर लो, ये आपका कनेक्टेड बन जाएगा। लेकिन नहीं है ये कनेक्ट, तो ये एक डिसकनेक्ट ग्राफ हो गया। फिर डायरेक्टेड ग्राफ में, डायरेक्टेड ग्राफ में भी कंप्लीट और फुली कनेक्टेड हो जाता है जब सारे वर्टेक्स से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। वीकली कनेक्टेड होता है जहाँ वर्टेसेस कनेक्ट तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो एक पाथ मिसिंग होता है, ठीक है। मतलब एक फुली कनेक्शन नहीं आ रहा। ये देखो, यहाँ से अगर मैं यूं डाल दूं तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, डिसकनेक्टेड हुआ हुआ है, ठीक है। तो फुली कंप्लीटेड, फुली कनेक्टेड ये वाला हो गया, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड जहाँ ये सारे कनेक्टेड हैं, कोई भी डिसकनेक्टेड नहीं है, और जहाँ सारे वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड हैं, वो फुली कनेक्टेड हो गया, ठीक है। सही है, अच्छा, ये आ गया सेल्फ लूप, जहाँ एक एज से निकल के लूप स्टार्ट होता है और वहीं पे खत्म हो जाता है। पैरेलल एजेस, अच्छा पैरेलल एजेस को भी थोड़ा ध्यान में रखें। पैरेलल एजेस क्या होती हैं? पैरेलल एजेस होती हैं जहाँ एक नोड से एक एज निकली एक वर्टेक्स की तरह, यानी ए से बी पे चली गई, ठीक है, और फिर दोबारा से ए से एक एज निकली और वो दोबारा से बी पे ही गई, ठीक है, किसी और पे नहीं गई। ए से दो एजेस निकली और वो दोनों एजेस जो हैं वो बी से कनेक्टेड हो रही हैं। यानी कि सोर्स भी सेम है, डेस्टिनेशन भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ये आपका होता है पैरेलल एजेस, ठीक है। सिंपल ग्राफ तो आपका वही सिंपल ग्राफ हो जाता है। अच्छा, सिंपल ग्राफ को ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें कोई लूप या पैरेलल एजेस नहीं होते हैं। लूप ये होता है, पैरेलल एजेस ये होता है। ऐसा ग्राफ जिसमें ना लूप हो ना पैरेलल एजेस हो, वो आपका सिंपल ग्राफ होता है। उसको छोड़ते हैं, उसको छोड़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया। आउटगोइंग, इनकमिंग, डिग्री, इन डिग्री, आउट डिग्री, वॉक, क्लोज पॉड, ओपन वॉक। वॉक को बेसिकली हम ये कहेंगे कि वी टू इससे कनेक्टेड हुआ, इससे हुआ, ठीक है, ये हमारी एक वॉक हो गई, ठीक है। अ वॉक विच इज टू बिगेन एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स इज कॉल्ड क्लोज वॉक, अदरवाइज इट इज एन ओपन वॉक, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि बेसिकली एक पाथ ही आपकी वॉक होती है, एजेस को हम वॉक कह देंगे, और एक ऐसी वॉक जो कि शुरू और ख़त्म सेम वर्टेक्स पर हो तो वो एक क्लोज वॉक होती है, और अगर वो शुरू या खत्म सेम पे ना हो तो वो एक ओपन वॉक हो जाती है। इन विच नो वर्टेक्स अपेयर्स मोर देन वंस इज कॉल्ड अ ओपन वॉक, यानी कि सिर्फ एक ही वर्टेक्स से कनेक्टेड हो शायद, तो वो ओपन वॉक हो जाती है। सही है, अच्छा ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। ऑल ट्रीज आर ग्राफ्स बट नॉट ऑल ग्राफ्स आर ट्री, ठीक है। सारे ट्रीज जो हैं वो ग्राफ होते हैं लेकिन सारे ग्राफ्स जो हैं वो ट्रीज नहीं होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आता है एडजेंसी लिस्ट और एक आता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है।
लिस्ट, और एक आता है हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, लिस्ट और मैट्रिक्स। लिस्ट से मुराद एक लिस्ट, ठीक है। लिस्ट, अगर हम किसी लिस्ट का नाम लेते हैं तो जहन से एक लिस्ट आया होगा जिसमें कभी बुलेट पॉइंट्स होते हैं, कभी नंबर्स होते हैं, और उसमें कुछ आइटम्स लिखे होते हैं, तो वो एक लिस्ट। इसमें भी सेम ऐसे ही कुछ लिस्ट है। फिर हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी, वो ही मैट्रिक्स होते हैं इसमें भी। अब इनको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। लिस्ट को तो आप इस तरह से देख लें, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। ए बी सी ई डी, सी डी ई, कितने हमारे पास वर्टिसेस हैं, 1, 2, 3, 4, और ये हमारे पास आ गया 5, सही है। 5 वर्टिसेस हैं। हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने सारे वर्टिसेस को लिस्ट डाउन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसके सारे वर्टिसेस, और फिर इसकी ये कौन से वर्टिसेस से कनेक्टेड है, ठीक है। क्या हो गया, एडजेसेंसी, यानी कि कौन से नेबर वर्टिसेस से कनेक्टेड है। अब देखें, हमारा जो ए है, अगर हम ए को लें, ए जो है वो बी के साथ कनेक्टेड आ रहा है, यानी ए कॉमा बी। ए जो है वो सी के साथ कनेक्टेड आ रहा है, यानी ए कॉमा सी। ए जो है वो डी के साथ कनेक्टेड आ रहा है, यानी ए कॉमा डी, सही है। तो यहाँ पे हमने ए लिखा, फिर हमने लिख दिया उन वर्टिसेस का नाम, लिख दिया जिन जिनके साथ ये कनेक्टेड है, यानी बी सी डी, ठीक हो गया। अब हमारे पास बी आया, ठीक है। बी जो है वो ए के साथ कनेक्टेड है, सी के साथ कनेक्टेड है, ई के साथ कनेक्टेड है। तो हमने बी के साथ क्या लिख दिया, ए सी ई। सेम ऐसे ही सी जो है वो ए के साथ कनेक्टेड है, बी के साथ कनेक्टेड है, डी के साथ कनेक्टेड है, और ई के साथ कनेक्टेड है, हमने लिख दिया। इसी तरह से हमने डी के लिए किया, ई के लिए किया, और सबके लिए करते रहे। तो ये हमारी कहलाती है एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। फिर आते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये हमारी आ गई आई कॉलम के लिए, ये आ गया हमारा जे रॉ के लिए, ठीक है, और ये हमारी है मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे मैट्रिक्स में कितने वर्टिसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 4 वर्टिसेस हैं। 1, 2, 3, 4 हमने कॉलम पे भी लिख दिया, 1, 2, 3, 4 हमने रॉ पे भी लिख दिया। अब इसको फिल आउट कैसे करते हैं, फिल आउट कैसे करते हैं। वन जो है, अच्छा ये जो है ये क्या है, हमारा एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वन जो है वो टू के साथ कनेक्टेड है, लेकिन टू वन के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। वन जो है वो टू के साथ कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 1, 2, सही है। तो 1, 2 जहां पे आया वहां पे हमने 1 लिख दिया मैट्रिक्स में। फिर 2 जो है वो 3 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2, 3, 2, 3 हो गया। तो 2, 3 पे हमने 1 लगा दिया। फिर 3 जो है वो 4 के साथ कनेक्टेड है, 3, 4, 3, 4 पे 1 लगा दिया। फिर 3 जो है वो 1 के साथ भी कनेक्टेड है, 3, 1 पे 1 लगा दिया, ठीक है। फिर जो 4 है, 4 जो है वो 3 के साथ कनेक्टेड है, 4, 3, 1 लगा दिया। ये हमारी होती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये भी हो गया, लिस्ट भी हो गई, मैट्रिक्स भी हो गई। लिस्ट और मैट्रिक्स पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ना एक टर्म यूज़ की हुई है डेंस और स्पार्स की, कि जो मैट्रिक्स है वो डेंस ग्राफ के लिए ज़्यादा अच्छा है, और जो हमारा वो वाला है स्पार्स है
वो लिस्ट के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। डेंस क्या क्या होता है? डेंस वो होता है जहां हर वर्टेक्स से कनेक्टेड होता है, यानी कि कंप्लीट या फुली कनेक्टेड ग्राफ जो होता है, ठीक है। इन्होंने जो एग्जाम्पल दिखाई हुई है वो फुली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए तो टू के साथ कनेक्टेड है लेकिन टू ए वन के साथ कनेक्टेड नहीं है, थ्री वन के साथ कनेक्टेड है लेकिन वन थ्री के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह से हम इसमें एरोस कर दें और फिर वन जो है वो फोर के साथ भी कनेक्टेड हो, तो इस तरह से ये बनेगा डेंस, ठीक है। लेकिन ये जो अभी है ये डेंस नहीं है, ठीक है। तो ये डेंस ग्राफ होता है जो हर वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होता है वो डेंस होता है। स्पार्स वो ग्राफ होता है जहाँ हर वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है। कहीं ना कहीं एक वीक ग्राफ बन रहा होता है, ठीक है, ये एक वीक ग्राफ बन रहा है, हर वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं है, यानी कि अगर हम इसी को देख लें तो ये एक स्पार्स ग्राफ है, ठीक है। नीचे वाला जो है ये भी एक स्पार्स ग्राफ है, ये दोनों स्पार्स ग्राफ है, ठीक है। तो ये हो गई आपके डेंस और ग्राफ, ठीक है। सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, ये वही मैट्रिक्स और इन सबको बार बार रिपीट किया हुआ है। अच्छा, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लेगा, मुझे सही से इतना आती नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी, तो अगर आप लोगों को आती है तो कॉम्प्लेक्सिटीज को पढ़ लिएगा। मैंने एक सवाल देखा था उसमें आया था कॉम्प्लेक्सिटीज का, लेकिन वो सर सईद का था, फरजीन अशफाक का तो नहीं था। अच्छा, ये इनका कंपैरिजन है, हो सकता है आ जाए, इस तरह के कंपैरिजन के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एरे और डायनेमिक लिस्ट के का कंपैरिजन करें, डेंस और स्पार्स का क्या है। तो डेंस और स्पार्स का आप बता सकते हो, डेंस ग्राफ वो होता है जो फुली कनेक्टेड होता है, स्पार्स ग्राफ वो होता है जो वीकली कनेक्टेड होता है। सही है, वन लाइन आंसर हो गया। बाइनरी सर्च ट्री हमें पता है क्या होता है, हीप ट्री हमने नहीं पढ़ा। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्या होता है ये हमने पढ़ा है। लीनियर सर्च जो है वन बाय वन सर्चिंग करके ढूंढता है, बाइनरी सर्च जो है वो डिवाइड एंड कंकर का रूल प्ले करता है। इसी तरह से इसका भी आ सकता है। अब देखो, मेमोरी में जो है वो एडजेंसी मैट्रिक्स जो है इनएफिशिएंट होता है, क्यों? क्योंकि ये जो है हर पॉसिबल एच को जो है स्टोर करता है, इवन ये उसको भी स्टोर करता है जो एग्जिस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? जहाँ जहाँ पे हम जीरो लिखते हैं वो जीरो वो एजेस हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसने वो वाला डेटा भी स्टोर कर लिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सही है, जीरोस को भी स्टोर कर लिया। तो क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मैट्रिक्स इज रिपीटेड डेटा। अगर हम एक अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें अगर एक लाइन जा रही है ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में एक लाइन जा रही है, तो क्या हो गया, वो ये शो करेगा कि ए बी के साथ कनेक्टेड है और ये भी शो करेगा कि बी भी ए के साथ कनेक्टेड है। तो क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मैट्रिक्स इज रिपीटेड डेटा। सही है, जीरोस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जीरोस आ रहे हैं, तो ये क्या होता है, मेमोरी इनएफिशिएंट होता है। एडजेंसी लिस्ट क्या करता है, सिर्फ उन एजेस को स्टोर करता है जो के एग्जिस्ट करती हैं। सही है, तो ये मेमोरी एफिशिएंट होता है एडजेंसी लिस्ट। टाइम में बहुत अच्छा होता है मैट्रिक्स, क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक एच को जो है वो क्विकली देखना हो तो हम उसके रॉ और कॉलम से फटाफट दे सकते हैं। टाइम इनएफिशिएंट जो है वो एडजेंसी लिस्ट होता है, क्यों? क्योंकि अगर हम लिस्ट में कोई एच ढूंढ रहे हैं कि ए जो है वो उसके साथ कनेक्टेड है या नहीं, तो हमें वन बाय वन सब देखना होगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम एक ऑर्डर में ही लिख रहे हैं, हम इन ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। तो कोई किस अपने किस माइंड के हिसाब से कैसी लिस्ट बना रहा है हमें नहीं पता, तो बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में, जबकि मैट्रिक्स में ढूंढना आसान है, ठीक है। और फिर एक यही डिफरेंस आ गया कि मैट्रिक्स जो है वो डेंस ग्राफ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है और एडजेंसी लिस्ट जो है वो स्पार्स ग्राफ के लिए रहता है, क्योंकि हमें कम एजेस बनानी होती हैं तो वो लिस्ट सही रहते हैं, ज्यादा एजेस के लिए डेंस सही रहता है। अच्छा, अब इसकी दो आती हैं, एक आता है डेप्थ फर्स्ट, एक आता है ब्रेथ फर्स्ट। सही है, इस मीटिंग को एंड करते हैं, 15 मिनट के बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट, डेप्थ फर्स्ट, ये दोनों पढ़ेंगे और इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे स्पैनिंग ट्री, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। स्पैनिंग ट्री
थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है क्योंकि उसमें लॉजिक्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये मीटिंग वैसे भी एंड होने वाली है तो मैं एंड कर रही हूँ। हम दोबारा से आते हैं 10 PM पे, ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक। अगर आपको यही जो लिंक है ना, इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन करिएगा।